हेलो एवरीवन, आज हम माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि देयर इज अ थिंग कि हम एक काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड मास्किंग। मास्किंग किस तरह से की जाती है, क्या किया जाता है, वो सब देखने के लिए एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्शन होता है। आप सब जानते हैं एंड ऑपरेशन, लॉजिकल एंड ऑपरेशन के बारे में। यस सर। लॉजिकल एंड ऑपरेशन सबको परफॉर्म करना होता है, तो उसकी एक खास चीज ये है कि हम विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेशन हम मास्किंग कर सकते हैं। मास्किंग कैसे कर सकते हैं, अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो एक्यूमुलेटर में हमारे डेटा है 3AH, तो 3AH का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 0011 और A का हो जाएगा आपके कितना हो जाएगा, A का 1010। अब यदि मैं चाहता हूं कि फर्स्ट 4 बिट्स जो है एक्यूमुलेटर के कंटेंट की, उसको मैं मास्किंग कर दूं, यानी कि ये किसी को नहीं दिखे, सिर्फ ये वाली जो है बिट्स सबको विजिबल हो, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जिसके साथ में जिस भी 4 बिट्स को मुझे मास्क करना होगा वहां पर मैं क्या कर दूंगा, 00 के साथ में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, और जो मुझे दिखानी है या जो उसकी मुझे मास्किंग नहीं करनी है वहां पर मैं 1111 के साथ में उसको मास्क कर दूंगा। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जब हम इन दोनों की मास्क एंड ऑपरेशन करेंगे, एक बार करके देखते हैं इसका एंड ऑपरेशन। जीरो और वन का एंड ऑपरेशन क्या होगा, जीरो। वन और वन का एंड ऑपरेशन क्या होगा, वन। यहां पर मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा, दिख रहा आप सबको? यस सर। कैसे होगा देखते हैं, जीरो और वन का एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन सबको पता है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं एक बार फिर यहां पर लिख देता हूं कि इट इज ए डॉट बी। तो एंड ऑपरेशन की जो ट्रुथ टेबल होती है वो क्या होती है, 00 अगर इनपुट है तो आउटपुट पे मिलेगा 0, 01 है तो भी मिलेगा क्या 0, अगर 10 है तो भी मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, जब दोनों तरफ 1 होगा तो ही मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, याद है सबको एंड गेट की ट्रुथ टेबल। यस सर। तो कहने का मतलब ये कि दोनों में से अगर एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, 0। 1 आउटपुट आने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब दोनों इनपुट 1 हो। इसलिए हमने इसी लॉजिक को यूज किया है यहाँ पर भी, कि मुझे जिसकी भी जिन 4 बिट्स की मुझे मास्किंग करनी है उन 4 बिट्स की मास्किंग इस तरह से की जाए कि जिसकी भी मुझे मास्किंग करनी है वहां पर मैं 00 दे दूं, और जो मुझे विजिबल करने या जो मैं चाहता हूँ कि वो दिखे ऑपरेशन के बाद में उस पर मैं 11 देता हूँ। तो 0 × 1 क्या हो जाएगा, 0 and 1 0। इसी तरह से 110 010 और 111 वापिस 10, क्योंकि एक भी इनपुट अगर 0 हुआ तो 0, इसलिए यहाँ पर से मुझे सब तरफ 0 मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, थोड़ा सा आपको डिटेल में मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ये जो आपकी 4 बिट्स थी वो पूरी की पूरी 4 बिट्स यहाँ पर आपको नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो 4 बिट्स थी वो सब क्या हो गई, 0 हो गई। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हुई, इन 4 बिट्स की मास्किंग हो गई है, हम ये कह सकते हैं। ओके, समझ गए बात, कि मुझे जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी डेटा कंटेंट थे एक्यूमुलेटर के, मान के चलते हैं 3A था, तो वो 3A में से सिर्फ A ही विजिबल हो रहा है, 3 को मैंने मास्क।
तो मैं आपसे यही कह रहा था कि अगर 0011 और 1010 अगर आपके पास कंटेंट है, उसकी अगर मुझे फर्स्ट फोर बिट्स की मास्किंग करनी है, तो मैंने उसको एंड ऑपरेशन करा दिया किसके साथ में, 0000111 के साथ में। उसका बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ पर मुझे फर्स्ट फोर बिट्स 0000 ही मिलेगी और यहाँ पर एज इट इज मुझे जो डेटा है वो मिल जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जिसको भी आपको आपको ये फर्स्ट फोर बिट्स नहीं दिखानी, ये फर्स्ट फोर बिट्स नहीं दिखानी, तो आपने उसको जीरो दे दिया, यानी कि हमने इसकी मास्किंग कर दी, तो आपको यहाँ पे मिला जीरो। और आपको ये फोर बिट्स आपको शो करनी है, इसलिए यहाँ पर आपने उसको वन के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, एंड ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है, ध्यान रखें एंड ऑपरेशन के, क्योंकि जीरो के लिए एक्टिवेट होता है, मतलब अगर दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट अगर जीरो है, आउटपुट आपका जीरो ही आएगा, दोनों ही इनपुट अगर वन है तो ही आपका आउटपुट वन आएगा। इसीलिए आपको जिसको भी शो करना है उसको आपको 1111 से एंड ऑपरेशन करना चाहिए, और जिसको भी आपको शो नहीं करना उसको 0000 से करना चाहिए, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि हमें ये फर्स्ट फोर बिट्स को दिखाना है और लास्ट की जो फोर बिट्स है इसकी हमें मास्किंग करनी है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। किस तरह से रिवर्स करेंगे, मान लो सेम डेटा है 0011 और यहाँ पर है 1010, नेक्स्ट में हमें सपोज फर्स्ट फोर बिट्स आपको दिखानी है और लास्ट की फोर बिट्स को आपको फॉर एग्जांपल मास्क करना है, तो यहाँ पर इस बार हम क्या करेंगे 1111 और इस तरफ हम कर देंगे 0000, ठीक है। इनका अगर आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, इनका यदि हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो अब क्या आएगा हमारे पास, सॉरी 0011 और यहां पर क्या हो जाएगा 0000, ठीक है। कैसे हुआ ये, क्योंकि 00 का एंड ऑपरेशन 0, 10 का एंड ऑपरेशन भी 0, 00 का 0 और 10 का थोड़ा सा ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इस बार क्या किया, फर्स्ट फोर बिट्स की को हमने विजिबल किया है और लास्ट फोर बिट्स की हमने मास्किंग कर दी है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आपके पास जो डेटा था, अगर मैं हेक्साडेसिमल में लिखूं तो ये था आपके पास सी ए, हेक्साडेसिमल में था, मुझे इसमें से 3 को अगर नहीं दिखाना था तो मैंने इसको 0 और F के साथ में एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मुझे यहां पर क्या मिला 0A, यानी कि मैंने 3 को मास्क कर दिया। सेकंड केस में सिमिलरली हमने सेम ही कंटेंट लिए, 3A लिया हेक्साडेसिमल में, उसको इस बार हमने F 0 के साथ में एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने से जो कंटेंट्स मिले मुझे वो क्या कंटेंट मिले, 3 0 इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आपको जिस भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना हो, उस इंस्ट्रक्शन को आपको जिस भी फोर बिट्स को शो करना हो, उन फोर बिट्स को आप क्या करोगे, एंड ऑपरेशन करोगे विद 1 और जिसकी आपको मास्किंग करनी है उसको आप एंड ऑपरेशन करोगे विद 0। तो 0 के साथ जिसकी मास्किंग होगी वो सब 0 हो जाएंगे और 1 के साथ जिससे एंड ऑपरेशन होगा वो सब एज इट इज आपको विजिबल होंगे। तो इसी के साथ एक प्रोग्राम हम देखते हैं। प्रोग्राम इज लाइक आपको सपोज सिमिलरली आपको 3A ही दे रखा है एक्यूमुलेटर में, आपको इसको फर्स्ट फोर बिट्स की मास्किंग करनी है और इसकी मास्किंग करने के बाद आपको जो रिजल्ट है उसको आउटपुट पोर्ट पे सेंड करना है जिसका एड्रेस क्या है 01H,
ठीक है, योर प्रोग्राम इज, आपको क्या बनाना है कि आपके एक्यूमुलेटर के कंटेंट है 3AH, आपको सबसे पहले इसमें फर्स्ट 4 बिट्स की मास्किंग करनी है। आप साथ साथ क्वेश्चन नोट डाउन करते चले जाएं, मास्क फर्स्ट 4 बिट्स, और रिमेनिंग बिट को आपको कहां पर शो करना है, आउटपुट पोर्ट में जिसका एड्रेस क्या है 01H। तो इसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है, मैं प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर में 3A को ऐड करने के लिए हम करेंगे MVI BAH। एक्यूमुलेटर में इसको करना है, इसलिए इस तरह से। इससे क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो 3A है वो कहां पर आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। उसके बाद जैसा अभी आपको बताया कि इसकी आपको मास्किंग करनी है फर्स्ट 4 बिट्स की, तो फर्स्ट 4 बिट्स की मास्किंग यानी कि हमें 3 को नहीं शो करना है, सिर्फ A को शो करना है, तो हमें इसके लिए एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अब यहां पर क्योंकि हमें पता है कि इसकी मास्किंग करने के लिए हमें इमीडिएट डेटा देना है, इसलिए इमीडिएट डेटा के लिए हमने लिखा ANI 0FH। ये क्या होगा, 0F को एक्यूमुलेटर के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो अब आपके क्या हो गया, जो हम चाहते थे फर्स्ट 4 बिट्स की मास्किंग हो जाए, वो फर्स्ट 4 बिट्स की मास्किंग इसकी हेल्प से हो चुकी है और एक्यूमुलेटर में ही कंटेंट है, और एक्यूमुलेटर के कंटेंट को अब आपको 01H पे सेंड करना है। तो आप सिंपली आउट 01H लिखेंगे, और लिखते ही आपका प्रोग्राम जो भी आपने एक्यूमुलेटर कंटेंट है वो सीधा आउटपुट पोर्ट जिसका एड्रेस है 01H वहां पर चले गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो प्रोग्राम था वो पूरा हुआ, तो यहाँ पर हम प्रोग्राम को हॉल्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं आपसे जिसमें बोला जाता है कि आपको किसी बिट को मास्क करना है, कुछ बिट्स को मास्क करना है और कुछ बिट्स को आपको शो करना है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि वहां पर आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तब मान के चलिए कि अगर सिमिलर प्रोग्राम में आपको फर्स्ट 4 की जगह लास्ट 4 बिट्स को लेट्स मास्किंग लास्ट 4 बिट्स ऑफ एक्यूमुलेटर आपको अगर करना है, ठीक है, अभी हमने क्या किया, फर्स्ट 4 बिट्स की ये थी। ठीक है, आप साथ साथ लिखते जाइएगा, मास्किंग ऑफ फर्स्ट 4 बिट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। ठीक है, उसका प्रोग्राम हमने अभी लिखा। अब मान के चलिए हमें लास्ट 4 बिट्स की अगर करनी है, मैं एक बार इसको रिलीज कर दूं, यदि आपको लास्ट 4 बिट्स की मास्किंग करनी है तो वापस वही, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट्स है 3 क्या था 3AH, यस, उसको आप करोगे, उसके बाद में उसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। अब क्योंकि हमें लास्ट 4 बिट्स की करनी है तो हम क्या करेंगे, 3F0H से उसका एंड ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि हमें 3 को शो करना है, A को शो नहीं करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपका काम हो चुका है पूरा, आप उसको आउट 01H एंड आउट। ठीक है, इससे अब क्या होगा, लास्ट 4 डिजिट्स की मास्किंग आपके हो जाएगी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया सबको? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको मैंने एडिशन के प्रोग्राम कराए हैं, कैरी के साथ भी और नॉन कैरी वाला भी, आपको दोनों तरह के प्रोग्राम मैंने कराए हैं। नेक्स्ट हम प्रोग्राम करते हैं
एक लूप वाला प्रोग्रामिंग करना चाह रहा हूं। यस, आपको दिख रहा है ये? हम करना चाह रहे हैं, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोग्राम में आपको कराना चाह रहा हूं। हम लोग करना चाह रहे हैं टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है, सबसे पहले उसका हम देखते हैं फ्लो चार्ट किस तरह से उसको फाइंड किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 01 को सब्ट्रैक्शन काउंटर रजिस्टर में आपको रखना पड़ेगा और जितने भी ऑड नंबर्स हैं 1 को आपको रखना है किसी भी रजिस्टर में। ठीक है, किसी भी रजिस्टर में आप 1 को रखो, फिर जो भी नंबर जिसका कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसको आप एक्यूमुलेटर में लोड करोगे, ऑड नंबर को एक्यूमुलेटर कंटेंट के साथ आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अब आपको ये चेक करना है कि क्या सब्ट्रैक्शन के बाद क्या कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, मींस इफ रिमाइंडर इज जीरो और रिमाइंडर इज नेगेटिव। अगर रिमाइंडर जीरो है या रिमाइंडर नेगेटिव है तो आपका प्रोग्राम वहीं खत्म हो जाएगा, जो रिजल्ट आपके आए हैं उस रिजल्ट को आप सीधे सीधे स्टोर करके और प्रोग्राम खत्म कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका रिमाइंडर कुछ बचता है या पॉजिटिव नंबर आता है तो आपको सब्ट्रैक्शन काउंटर को 1 से बढ़ाना पड़ेगा और जो ऑड नंबर है उसमें +2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया सबको? ये इसका फ्लो चार्ट था कि इस तरह से हम लोग करते हैं। तो आप सीधा इसका प्रोग्राम देखते हैं हम लोग कैसे इसको परफॉर्म किया जाए। यस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सी रजिस्टर में हमने 01 को स्टोर किया, उसके बाद बी रजिस्टर में हमने वापस 1 को स्टोर किया और जो भी आपका गिवन नंबर है उसको अब एक्यूमुलेटर में लोड किया। ठीक है, 3 स्टेप्स बिल्कुल सिंपल थे, इसमें कुछ भी नहीं था। बी और सी में हमने 1-1 डाला है और एक्यूमुलेटर में जो भी आपका गिवन नंबर है उस गिवन नंबर को आपको ऐड करना है। ठीक है, स्टोर करना है। अब हमें क्या करना है, बी को एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि एक्यूमुलेटर में से जो बी है जो ऑड नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब कंडीशन आपकी लगेगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट हमें देखना है कि क्या कुछ रिमाइंडर बचता है या क्या नेगेटिव है। इसके लिए हमने कंडीशनल लूप लगाया है, जंप इफ जीरो, अगर जीरो जनरेट होता है तो जंप करें। अगर जीरो जनरेट होता है तो हमें कहां पर कौन से लेवल पे जंप करना है, अहेड पे, और अहेड कहां है, यहां पर। अगर जीरो जनरेट होता है तो सिंपल से जो भी सी के कंटेंट्स है उसको एक्यूमुलेटर में ऐड करके और उसको इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर दिया जाएगा और प्रोग्राम आपका वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जीरो जनरेट नहीं होता यहाँ पर तो हमें सी को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ऑड नंबर जो हमने लिया था उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और वापस हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ऑड नंबर को। ठीक है, तो इसलिए हमने बी पे 2 बार इंक्रीमेंट लगाया है और फिर वापस हमें चेक करना है, वापस हमें जंप करना है। कब तक ये प्रोसेस चलेगी,
जब तक वापस वो उसको चेक करेगा, वापस से लूप पर आया, अब वापस उसको बी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी से सब्ट्रैक्ट करके वो चेक करेगा क्या वापस अब जीरो हुआ है, अगर हो गया तो वहीं पर आपका स्क्वायर रूट आ चुका है, अगर जीरो नहीं हुआ है तो इसका मतलब अभी उसको और ऐड करना बाकी है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक सिंपल सा प्रोग्राम है, आप इसकी ये वाले पार्ट्स को जो है ध्यान रखें, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, आप सब इसको नोट करते रहे होंगे मेरे ख्याल से, आप सब ने नोट किया इस चीज को, यस। यस सर। तो इस तरह से हम जो है स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है, नोट कर लिया सबने? यस सर। और सब बताना सर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो है कि हमें दो 8 बिट नंबर का डिवीजन करना है, यानी कि डिवाइड करना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको 25 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, पहले आप कंसेप्ट समझो, 25 को यदि 5 से हमें डिवाइड करना है तो इसका मतलब है 25 में से 5 को आप सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया 20, 20 में से वापस 5 को सब्ट्रैक्ट करो, 20 माइनस 5 अब कितना आया 15, जितना भी आया उसमें से फिर आप 5 को सब्ट्रैक्ट करो, उसमें से वापस आप 5 को सब्ट्रैक्ट करो, और ऐसा तब तक करते रहो जब तक कि आपका जीरो जनरेट नहीं हो जाता, ठीक है। और जितनी बार भी आपने सब्ट्रैक्शन किया है वही आपका क्या होगा, क्वेशेंट होगा, ठीक है। तो ये मेथड कहलाता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, यानी कि जिस नंबर को आपको जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको उसके साथ रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करते चले जब तक कि आपका जीरो नहीं बचता है। मान लीजिए आपको 6 को ही डिवाइड करना है 2 से, तो 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, इस तरह से आपको रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको पता चलेगा मैंने 3 टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो मतलब 3 इज योर आंसर, ठीक है। लेकिन यहां पर अब ये भी हो सकता है कि आपको अगर 25 की जगह 27 को सब्ट्रैक्ट करना हो 5 से, तो 27 माइनस 5 22, 22 माइनस 5 17, 17 माइनस 5 12, 12 माइनस 5 7, 7 माइनस 5 2। अब वो वहां पर हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या डिविडेंड डिवाइजर से छोटा तो नहीं रह गया, अगर वो इतना छोटा रह गया, जैसे यहाँ पर लास्ट केस में हमारे पास 2 ही बचा था और 2 को जो है हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये भी चेक करना है, रिमाइंडर की कंडीशन है ये कि कोई ऐसे नंबर से हम उसको डिवाइड अगर कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं हो, तो आपको हर तरफ ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या डिविडेंड इज लेस देन डिविजर है, क्या ऐसा कोई नंबर है जैसे 2 है, 2 5 से छोटा है, तो यहाँ पर डिविडेंड जो है वो डिविजर से छोटा है, छोटा है तो आपको वहीं पर ही रोक देना, और जो भी आपका डिविडेंड है वो आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखा जाए, ठीक है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। yes. Yes, सबसे पहले जो भी डिवाइजर है उसको एक्यूमुलेटर में लोड किया है, LDA means load accumulator, ठीक है, और एक्यूमुलेटर के कंटेंट को उसके बाद बी रजिस्टर में डाल दिया, क्योंकि एक आपका ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में होना चाहिए और एक किसी रजिस्टर में होना चाहिए, तो इसको हमने रजिस्टर बी में स्टोर कर दिया सपोज। दूसरा जो था डिविडेंड जो इसको हम लेके चल रहे थे, उस डिविडेंड को वापस हमने एक्यूमुलेटर में लोड किया, और क्योंकि आप ठीक है आपका एक एक्यूमुलेटर में होना चाहिए और एक दूसरे रजिस्टर में होना चाहिए, तो एक आपके पास ऑलरेडी बी में है तो इसको हम एक्यूमुलेटर में ही रहने देंगे। अब हमने क्या किया, एक क्वेश्चेंट जो है, क्योंकि जितनी बार आप सब्ट्रैक्शन करोगे उतनी ही बार क्वेश्चेंट के कंटेंट बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए वही वाला एग्जांपल हमारा कि 25
माइनस फाइव आपने सबसे पहली बार किया तो उसके जैसे ही आपके पास 20 आया वैसे ही जो क्वेश्चंट है क्वेश्चंट के कंटेंट 1 से बढ़ जाएंगे। फिर आपने 20 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया आपके पास आया 15, तो अब 15 से इसको हमें क्या करना पड़ेगा 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वापस 15 माइनस 5 आप करोगे तो ये वापस 1 से इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से जितनी बार ये इंक्रीमेंट होता जाएगा जब तक यहाँ पर जीरो या डिविडेंड लेस देन डिवाइजर वाली कंडीशन नहीं आ जाती तब तक क्वेश्चन को हमें 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो उस क्वेश्चन को हमने जो है सी रजिस्टर में लिया है जिसको इनिशियली हमने 0-0 दिया है, ठीक है। यानी कि इनिशियली आपका क्वेश्चन 0 है, जैसे ही एक बार सब्ट्रैक्शन होगा वैसे ही हम इसको क्या करेंगे 1 पे इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। ओके, अब हम क्या चेक करेंगे, हम बी के कंटेंट को कंपेयर करेंगे एक्यूमुलेटर के साथ में, क्योंकि हमें जैसा मैं बता रहा था सबसे पहले ये भी चेक करना है हुआ कि क्या डिविडेंड डिवाइजर से छोटा तो नहीं है, कहीं आपको 4 को या 2 को तो डिवाइड नहीं करना है 5 से, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये स्मॉल है, 4 इज स्मॉलर देन 5, ठीक है। तो हमें उसको जो है कंपेयर करना पड़ेगा, अगर कैरी जनरेट करना हुई, इसलिए हमने वापस यहाँ पे लूप लगाया, अगर यहाँ पर कैरी जनरेट हुई मतलब छोटा है तो आपको उसको सीधा जो है क्या करना है लूप में भेज देना है। लूप कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि अगर कैरी जनरेट हुई है इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन है वेयर डिविडेंड इज लेस देन डिवाइजर, ठीक है। तो जो भी आपके पास है वो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, तो अगर कैरी जनरेट हुई है इसका मतलब आपका डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है, तो आपका जो भी डिविडेंड है उसको आपको सीधा रिमाइंडर मानते हुए उसको एक्यूमुलेटर में भेज देना है और स्टोर आपका एक्यूमुलेटर हो जाएगा। लेकिन अगर कैरी यहाँ पे सपोज जनरेट नहीं हुई तो आपको बी को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब एक बार आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो आपको जैसा मैंने यहाँ पर बताया वैसे आपको यहाँ पर एक से इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन 1 से इंक्रीमेंट हो गया। वापस हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर किया क्या वापस अभी जो नंबर आपके पास आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद 20 आया हमारे केस में फॉर एग्जाम्पल, तो जो भी नंबर आपके पास आया है यहाँ पर क्या वो नंबर वापस इससे छोटा है या बड़ा है, अगर हम देखेंगे कि वो इससे छोटा नहीं है तो वो वापस क्या करेगा लूप 1 पे जंप कर जाएगा, यानी कि वापस वो उसको सब्ट्रैक्ट करेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वापस उस पे इंक्रीमेंट लगेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि वो उससे छोटा नहीं रह जाता या 0 नहीं रह जाता। तो इस तरह से जो भी सी का कंटेंट होगा वो हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा इसकी हेल्प से। तो इस तरह से हम लोग जो है डिवीजन करते हैं 2 8 बिट नंबर्स का बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। सबको समझ में आया? रिपीट एंड सब्ट्रैक्शन मेथड।